नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस समय कोरोना वायरस से अगर सबसे ज़्यादा कोई पीड़ित है तो वो हमारे देश का प्रवासी मजदूर है। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 16 मजदूर ट्रेन से कटकर मर गए थे, और उसके बाद मध्य प्रदेश में मजदूरों के एक्सीडेंट हुए और झारखंड में मजदूरों के एक्सीडेंट हुए, और दोस्तों अब उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले में 24 मजदूरों की एक्सीडेंट में मौत हो गई। दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर मजदूरों की इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? कौन सी सरकार है जो मजदूरों की इस स्थिति की जिम्मेदार है? दोस्तों, इस समय हमारे देश में मजदूरों की मौत पर बहुत ही घटिया राजनीति की जा रही है। अगर किसी कांग्रेस शासित प्रदेश जैसे महाराष्ट्र या फिर छत्तीसगढ़ में मजदूरों के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, मजदूरों की मौत हो जाती है, तो भाजपा वाले कहते हैं कि मजदूरों की मौत के लिए जिम्मेदार कांग्रेस की सरकार है, राहुल गांधी है। और दोस्तों, इसके उलट जब किसी भाजपा शासित प्रदेश में जैसे उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में किसी मजदूर का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी मजदूर की मौत हो जाती है, तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि मजदूरों की मौत की जिम्मेदार भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों, आखिर असल में इन मजदूरों की मौत का जिम्मेदार कौन है? कौन सी सरकारें हैं जो मजदूरों की इस स्थिति की जिम्मेदार है? दोस्तों, जहां तक मैं मानता हूं, मजदूरों की इस स्थिति का जिम्मेदार ना ही तो कोई एक व्यक्ति है और ना ही कोई एक सरकार है। हमारे देश की लगभग सभी सरकारें, सभी राज्यों की सरकारें फेल हो चुकी हैं मजदूरों की स्थिति को संभालने के लिए। दोस्तों, वैसे तो अरविंद केजरीवाल भी दावा कर रहे हैं कि वे दिल्ली में लाखों मजदूरों को खाना खिला रहे हैं, ममता बनर्जी भी इसी तरह का दावा कर रही हैं, और बहुत सारे प्रदेशों की सरकारें भी इसी तरह के दावे कर रही हैं। पर दोस्तों, असलियत में जो ज़मीनी हकीकत है वो इन लोगों के दावों से बहुत अलग है। अगर आपको इस समय प्रवासी मजदूरों की ज़मीनी हकीकत को समझना है तो आप देश के किसी भी बड़े हाईवे पर जाकर खड़े हो जाइए, आप समझ जाएंगे कि इस समय हमारे देश में मजदूरों की स्थिति क्या है। दोस्तों, आज हमारे देश के मजदूर की स्थिति एक गेंद की तरह हो गई है। हमारे देश की सरकारें मजदूर के साथ खेल रही हैं। और तो और दोस्तों, हमारे देश की सरकारें लगातार मजदूरों के साथ हो रहे एक्सीडेंटों से, लगातार मजदूरों की हो रही मौतों से कोई सबक नहीं ले रही हैं, मजदूरों की सुरक्षा को लेकर कोई सख्त कदम नहीं उठा रही हैं। मैं अपने देश की सरकार से अपील करता हूं कि मजदूरों की सुरक्षा को लेकर हमारे देश की सरकार कोई सख्त से सख्त कदम उठाएं। दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय